नमस्कार, जय गणेश। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजनरिस। आज का ये वीडियो है हॉरोस्कोप मैच मेकिंग के बारे में, जन्म पत्रिका मिलान, युवक और युवती का अश्विनी और कनिष्ठा नक्षत्र हो तो कैसा रिजल्ट रहेगा, शादी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो आपको बता दें कि ये प्रेडिक्शन जो है ये चंद्र राशि आधारित है। आज के इस वीडियो के हम बात करेंगे। सबसे पहले युवक का नक्षत्र अश्विनी है और चंद्र की नक्षत्र और युवती का नक्षत्र कनिष्ठा है। कनिष्ठा मकर एवं कुंभ राशि के अंदर है, तो आज का पर्टिकुलर वीडियो ये मकर राशि में कनिष्ठा नक्षत्र में जन्मी हुई युवती के बारे में पहले बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे मकर कनिष्ठा का युवक है और युवती अश्विनी नक्षत्र की है, ये दोनों की ट्रांजिट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, अश्विनी नक्षत्र युवक का है और युवती का कनिष्ठा है मकर राशि में। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि इसके जो गुण मिलते हैं ये 22 मिल गुण मिलते हैं 20 मिलते हैं, पॉइंट इज 20 आउट ऑफ 36। गुण का इम्पोर्टेंट है, लेकिन गुण का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कुंडली के अंदर सब ग्रहों का पोजीशन देखना बहुत जरूरी है। जन्म कुंडली मैच मेकिंग के अंदर खाली गुण देख के शादी करना या करवाना बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर ये दोनों कैरेक्टर बीच के बीच में बहुत सी तनाव प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि संतान हो जाने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट इश्यू ज़्यादा हो जाती है। तो ये सब जो प्रॉब्लम है, यदि हॉरोस्कोप परफेक्ट या तो प्रॉपर मैच नहीं हुआ होता है तो आगे जाके प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं। अब बात करेंगे मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र जो जन्म हुआ है युवक का, तो इसकी योनि जो होगी अश्व योनि होगी। अश्व माने घोड़ा, हॉर्स। और जो युवती मकर राशि की कनिष्ठा नक्षत्र की है तो इसकी जो योनि होगी सिंह योनि, सिंह माने लायन। अब एक चीज और भी आप नोट कर लीजिए कि कभी भी जो शादी ब्याह का जो ये मामला है, इसके अंदर जो लड़की है फीमेल है उसकी योनि कभी भारी नहीं होनी चाहिए युवक से। अदरवाइज क्या होगा कि ये जो मैरिज लाइफ है ये बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, और ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों के बीच में सेक्सुअल रिलेशन भी अच्छे ना रहे और उसके कारण भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो इसमें योनि दोष बहुत अगत्य की चीज़ है, तो योनि लड़की की भारी नहीं होनी। अब इसमें यह हो गया कि जो लड़की है इसकी योनि सिंह योनि है और युवक का अश्व है। अब नक्षत्र ट्रांजिट से देखें तो अश्विनी के लिए जो कनिष्ठा है ये प्रत्यारी नक्षत्र है, मात्र प्रत्यारी माने ऑपोजिशन। तो ये दोनों के बीच जो लड़का है इसके जो इसके लिए लड़की का नक्षत्र है ये प्रत्यारी है, प्रत्यारी माने ऑपोजिशन। तो कहीं कहीं ना कहीं ये विरोध होगा या विरोध करेंगे। और हालांकि युवती के लिए जो युवक का नक्षत्र है ये साधक में आता है, फिर भी ये जो कॉम्बिनेशन है ये ठीक नहीं है। नाड़ी की बात करें तो अश्विनी की आधे नाड़ी है और कनिष्ठा की मध्य नाड़ी। नाड़ी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाड़ी दोष नहीं है। नाड़ी दोष कब होता है कि जब दोनों की नाड़ी एक होती है तो उसको नाड़ी दोष बोलते हैं। अब राशि से देखें तो राशि से जो मेष राशि से दसवीं राशि है मकर राशि, लेकिन मकर राशि से जो मेष राशि है वो चौथी राशि है। तो यहाँ तीन नेगेटिव पॉइंट बनते हैं। एक तो मकर कनिष्ठा के लिए अश्विनी के लिए जो कनिष्ठा है ये प्रत्यारी नक्षत्र है, एक प्लस पहला नेगेटिव पॉइंट। दूसरा नेगेटिव पॉइंट मकर के लिए जो मेष है वो चौथी राशि है, यानी कि टेंशन देने वाली राशि है। और तीसरा पॉइंट जो है ये योनि दोष का बनता है। योनि जो युवती की भारी हो गई लड़के के लिए युवक के लिए, तो ये कभी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकती है।
उसके अलावा भी कॉम्बिनेशन में बहुत से ग्रह का भी कॉम्बिनेशन देखना चाहिए, सूर्य चंद्र मंगल, ये चंद्र जो गुण मैच करते हैं ये चंद्र से होता है, बाकी के में ग्रहों के भी मैच करने से आपको पता चलता है, सूर्य नक्षत्र मैच करने से आपको पता चलेगा कि दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन कैसा रहेगा, मंगल का नक्षत्र मैच करने से ये भी पता चलेगा आपको कि दोनों के ब्लड रिलेटिव्स यानी कि घर वालों के कारण प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, बुध का नक्षत्र मैच करने से ये पता चलेगा कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में कैसा रहेगा, युवक एवं युवती के दोनों के, गुरु का नक्षत्र मैच करने से आपको ये पता चलेगा कि दोनों के बीच में प्रेम भाव कैसा रहेगा, शुक्र का नक्षत्र मैच करने से ये पता चलेगा कि लव रिलेशनशिप दोनों के बीच में कैसा रहेगा, शनि का नक्षत्र मैच करने से आपको ये पता चलेगा कि ये नक्षत्र की बात कर रहे हैं, शनि शनि मंगल मंगल बुध बुध ये नक्षत्र की ऐसे बात कर रहे हैं, शनि का नक्षत्र मैच करने से ये पता चलेगा कि एक दूसरे के लिए सेवा भावना दोनों की कैसी रहेगी, राहु का नक्षत्र मैच करने से वंस अगेन आपको पता चलेगा कि दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन कैसा रहेगा और दोनों एक दूसरे के लिए हेल्पफुल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो खाली गुण देख के कंप्यूटर पे ऑनलाइन ऑरोस्कोप मैच करके आगे बढ़ना ये एक खतरे की घंटी समान है, और जो भी जातक अविवाहित हैं उनको हम खास रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना हॉरोस्कोप किसी एक्सपर्ट के पास मैच करके आगे बढ़े, क्योंकि ये पूरी लाइफ का सवाल है। दूसरी कॉम्बिनेशन बात बात करते हैं, युवक का यदि घनिष्ठा नक्षत्र है और युवती का जो अश्विनी नक्षत्र है तो गुण मिलेंगे 20, और जबकि युवक का जो अश्विनी है और युवक का अश्विनी है और युवती का घनिष्ठा है तो गुण 20 मिलते हैं, जबकि युवक घनिष्ठा है और युवती अश्विनी है तो इसके गुण मिलेंगे 19। फिर भी ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे हमने बताया कि गुण इतने मायने नहीं रखते हैं, सब ग्रह का कॉम्बिनेशन आपको देखना चाहिए, और नक्षत्र जो है अश्विनी के लिए कनिष्ठा प्रत्यरी है, प्रत्यरी माने ऑपोजिशन, विरोध होने की संभावना ज़्यादा रहती है, राशि का कॉम्बिनेशन भी केंद्र राशि जरूर है लेकिन मकर राशि के लिए मेष राशि टेंशन वाली राशि में आती है, चौथी राशि में आती है, इसलिए मैचिंग जो है मेष राशि एवं मकर राशि का ये कॉम्बिनेशन अश्विनी और गनिष्ठा का एब्सोल्युटली ठीक नहीं है। यदि आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ आपको प्रॉब्लम है तो एक क्वेश्चन आप फ्री में पूछ सकते हो, एब्सोल्युटली आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस हमें व्हाट्सएप कर दीजिए आपके नाम के साथ और आपके क्वेश्चन के साथ, हम आपको व्हाट्सएप में ही आंसर दे देंगे। और यदि आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप रीडिंग करवाना चाहते हैं तो भी आप नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप अवेलेबल है, नंबर इस प्रकार रहेगा 9998011838 यानी कि 9998011838। आप जहाँ भी रहो खुश रहो प्रसन्न रहो हेल्दी रहो ऐसी शुभकामना के साथ मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। जय गणेश, जय श्री कृष्ण।